काफी बच्चे मेरे पास में आते हैं, बोलते हैं कि हमको फैमिली का सपोर्ट नहीं है, हम जो चाहते हैं वो फैमिली करने देते नहीं है। उनके लिए खास ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। पेरेंट्स भी लाते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं कि बच्चे ही सिर्फ आते हैं, पेरेंट्स भी लाते हैं कि हमारा मानता नहीं है। बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे फलाना करना है, डिकना करना है, मुझे बिजनेस करने का है, मुझे कुछ ऐसा करके देखने का है। ऐसा बच्चे लोग आते हैं और बोलते कि पेरेंट्स तैयार नहीं है। बच्चे बोलते हैं ये नहीं होना चाहिए, हमारे पेरेंट्स ने ना हमको सपोर्ट करना चाहिए, पेरेंट्स ने हमने हमको अपोज नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी सारी बातें हमको लगती है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे, आपकी चाह से दुनिया चलती नहीं है। जैसे लोग हैं वैसे लोग हैं, वो जैसा नहीं बोलेंगे वैसा नहीं बोलेंगे, पेरेंट्स आपके नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। वो नहीं इसलिए बोलते कि उनको ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो संभव नहीं है, या उसमें आपको गोता मिल सकता है, आप निगेटिव उसमें हो सकते हो, आपका नुकसान हो सकता है। और उनको पड़ी है आपकी सिक्योरिटी की, उनको पड़ी है आपकी सेफ्टी की। उनको लगता है कि आप जो भी प्रपोजल लेके आते हो वो संभव नहीं है। फिर बच्चों को लगता है कि नहीं, फिर हमारे पेरेंट्स हमको कुछ करने देने, हमको बिजनेस चालू करना है, फिर कोई तो भी नौकरी पकड़ो और वहाँ काम करो, वहाँ इच्छा भी नहीं काम करने की, और कोई तो भी आईटी में जाओ, कोई कंपनी में जाओ और वहाँ सुबह से रात तक काम करते रहो। और फिर कभी प्रपोजल दिया किसको तो घर वाले नहीं बोलते। घर वाले छोड़ दो, अपने आप के आजू बाजू के लोग जो है वो भी निगेटिव इतने हैं, और वो होलसेल में निगेटिव लोग घूम रहे हैं, और आप कुछ भी प्रपोजल लोग बोलते हैं पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट आपको सपोर्ट करते नहीं है, मगर पेरेंट्स सपोर्ट करते नहीं, उन्होंने आपको बचपन से आपकी परवरिश की, आपको कपड़े दिए, आपको खाना खिलाया, आपकी एजुकेशन की, आपके लिए सब कुछ तो किया। कुछ कुछ तो बच्चे ऐसे थे कि इतनी खुन्नस है उनको पेरेंट्स के अगेंस्ट में, इतनी खुन्नस है, पता नहीं इतनी खुन्नस कहाँ से आई। मैं उनको हरदम बोलता हूँ कि अरे, आप कपड़े में पेशाब टट्टी करते, उन्हें साफ किया, उन्हें आपको परवरिश किया, उन्होंने आपको पढ़ा, आप इतनी खुन्नस पकड़ के बैठे हो। उनको ये चाहिए कि अपना बच्चा ज़्यादा रिस्क ना ले, कोई तो भी कंपनी में नौकरी करे, 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीने के लाए, उसको शादी कर दो, उसको एक फ्लैट लेके दो, और वहाँ वो अपने बीवी बच्चों के साथ में अपना संसार करे, ताकि हम आराम से मर सकेंगे। अभी आपको यदि ऐसा कुछ करना है तो आपको उनको समझाना पड़ेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, उनको उन्होंने वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उसके लिए आपको जो भी करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। आप यदि जॉब छोड़ के बिजनेस चालू कर देते, एकदम पैसा कहाँ से आएगा? एक महीना हो गया तो आपको रेंट देना है, एक महीना हो गया तो आपको गाड़ी की ईएमआई देने की है, बाकी सारे ईएमआई आपको होंगे वो देने के, बच्चों की फीस है, घर का किराना है, वो कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं मत करो मत करो मत करो। तो उनको आपको समझाना पड़ेगा कि भाई, आपका बैकअप प्लान क्या है। समझो आप नौकरी छोड़ते हो तो आप अपना गुजारा कैसा करोगे? धंधे में एकदम तो पैसा आएगा ही नहीं। तो मेरी आपसे एक सलाह रहेगी बच्चों के लिए, सलाह ऐसी है कि आप जब भी कभी प्लान लेके जाएंगे आपके पेरेंट्स के पास में, तो आप ये देखो कि आपको कम से कम एक साल तक ऐसी आपने व्यवस्था करके रखी है क्या कि आपको कोई भी इनकम नहीं आएगा तो अपना घर चलेगा और घर के खर्चे चलेंगे, कम से कम एक साल के। और यदि वो आप एक साल तक रिस्क लेने को तैयार है, एक साल की रिस्क कि वो बैकअप प्लान है अपना, कि धंधा नहीं चला, धंधे में एक साल तक नुकसान हो रहा है, या पूंजी जो लगाई है बस पूंजी जो लगाई वही खत्म होते जा रही है, प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या अपने आप को और अपने फैमिली को आप एक साल तक मेंटेन कर सकोगे क्या? तो वो आपके पास में बैक प्लान मतलब बैकअप प्लान है तो डेफिनेटली पेरेंट्स बोलेंगे ठीक है, हरकत नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैकअप प्लान तैयार करो। फेल होंगे तो क्या होगा? क्या फिर से जॉब चालू करना पड़ेगा? एक साल के बाद में अपन मतलब मेंटेन कर पाएंगे, मगर एक साल के ऊपर भी समझो ऐसा होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर क्या वो फिर से जॉब चालू करके वो नौकरी करनी है क्या? तो नौकरी मिल जाएंगी क्या? मतलब इस तरह का आप अपने पास में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि नहीं, मेरा लड़का या लड़की फेल हो गई तभी भी उनके पास में कुछ ना कुछ ऐसा प्लान है कि वो भूखे मरेंगे नहीं, उनका कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो एक तो आपके पास में बैकअप प्लान है, और उनके कन्विंस करने के लिए, उनको कन्विंस होने के लिए कम से कम नहीं एक साल दो साल का यदि अपने पास में ये है पूंजी है कि आप अपने घर का खर्चा कम से कम 25,000 से लेके 50,000 जो भी आपको लगता है वो आपके पास में है, आप अपने आप को मेंटेन कर रहे,
बिजनेस के लिए आपने लोन लिया हुआ है वो ऊपर के ऊपर सब निकल रहा है खर्चे, मगर घर चलाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आपने बैकअप प्लान किया है, या फिर ये धंधा ही पूरा डूब गया, धंधे में ही बैंक करप्सी आपने घोषित कर दिया, तो क्या आपको नौकरी फिर से मिलेंगी क्या? वो बैकअप प्लान तैयार है क्या? तो ऐसी व्यवस्था यदि आप करते हो तो फिर आपके जो पेरेंट्स है वो कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये धंधा चालू करो। तो जो भी आप करना चाहते हो उसका प्लान बनाओ, उसका फाइनेंस कहाँ से आएगा, आपका कौशल्य आपने कहाँ से हासिल किया है, कितना कौशल्य है आपके पास में, लोग कहाँ से आएंगे, आपका सेल्स कैसा होगा, मार्केटिंग कैसा होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आप यदि पूरा प्लान बनाते हो और उसमें प्लान फेल हो गया, बिजनेस चौपट हो गया, तो उसके लिए फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, फाइनेंशियल प्लान क्या है, तो वो लिखो, बुरे से बुरा क्या होगा वो लिखो, और ऐसा प्लान लेके आप किसी के पास में जाते हो तो डेफिनेटली सामने वाला हाँ बोलेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं तो मैं क्या करूँ। आपको यदि ज़िंदगी में कुछ करना है डेफिनेटली, तो नौकरी में मतलब नौकरी करके नौकरी में रह के डेफिनेटली एक कोई आईटी कंपनी है, कोई कंपनी है, वहाँ रह के होंगे नहीं, आपको तो कुछ ना कुछ रिस्क लेनी पड़ेगी और कुछ करना पड़ेगा, और आप यदि कुछ करेंगे तो ये आपका भला होगा और घर के लोग भी मानेंगे। तो डेफिनेटली मेरे युवा लोगों को मेरे लिए यही संदेश है कि आप पूरा प्लान बना के किसके भी पास में जाएंगे, पेरेंट्स हो या कोई, उनके पास में जाओ और वो उनको समझा देते तो कोई भी आपके हाँ को हाँ बोलेगा। सभी युवा लोगों को ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको इसमें कुछ ओपनिंग मिलेंगी, जिसको धंधा चालू करना है उसके लिए इसकी ओपनिंग मिलेगी। तो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, फेसबुक के ग्रुप पर शेयर करो, ताकि हर युवा जो है ना वो बिजनेस करने के लिए प्रेरित हो जाएगा, उसके लिए वो प्लान बनाएगा और उसके हमारा देश आगे तरक्की करेगा। हमारा जो हॉस्पिटल है, यहाँ दो हॉस्पिटल्स है, एक हॉस्पिटल में हम हिसारों के साथ में भर्ती करते हैं लोगों को, हिसारों के अलावा दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये हमारा मिशन है, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। आपको यदि ऐसा कुछ लगता है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हो, कहीं भाषण देने के बुलाना है तो हम वहाँ भाषण देने के लिए जाते हैं, लोगों को एजुकेट करते रहते हैं, आप भी बुला सकते हो। और ये हमारा जो देश है उसमें तरक्की कैसे करना, मतलब एक बहुत बड़ी ताकत ये दुनिया में कैसी होंगी, उसके लिए हर युवा सामने आएगा, हर युवा बिजनेस करेगा तो डेफिनेटली हमारी ताकत बढ़ जाएगी और हमारा देश आगे सबसे आगे हो जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।